वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूके ट्यूटोरियल में। और पार्ट नंबर 18 में आज हम जानेंगे बूटस्ट्रैप के बटन क्लासेस के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बटन स्टाइल। बटन को स्टाइल कैसे करते हैं, मतलब उसका कलर कैसे चेंज करते हैं, प्राइमरी क्लास लगाने के बाद कैसा कलर आएगा, सक्सेस क्लास लगाने के बाद कैसा कलर आएगा, बटन इन्फो क्लास लगाने के बाद कैसा कलर आएगा, बटन डेंजर लगाने के बाद कैसा कलर आएगा, ये सारा काम हम आज करके देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना नोटपैड खोल लेता हूँ। नोटपैड प्लस प्लस में मैंने देखिए यहाँ पे एक बटन लिख के रखा है जिसमें कोई क्लास लगा नहीं है, एक सिंपल सा है। चलिए सबसे पहले उसे देखते हैं। ये देखिए विदाउट बूटस्ट्रैप के ये कैसे दिखाई दे रहा है। चलिए अभी इसे हम सबसे पहले हमारा एक क्लास लगाते हैं बटन का। सबसे पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। अब ये विथ है, विदाउट है। अब इसे क्लास लगा देते हैं। मैंने यहाँ पे क्लास लगा दिया है और क्लास है हमारा btn। सेव कर लेते हैं। सेव करके क्रोम ओपन करके रिलोड करता हूँ। तो देखिए विदाउट बूटस्ट्रैप और विद बूटस्ट्रैप कैसी दिखाई दे रहा है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि हम ये बाकी के भी स्टाइलिंग एलिमेंट यहाँ पे लगा के देखेंगे, स्टाइलिंग के जो क्लासेस लगा के देखेंगे जैसे प्राइमरी, सक्सेस, इन्फो। तो ऑलरेडी मैंने वो टाइप करके रखे हैं, मैं उसे कॉपी कर रहा हूँ समय बचाने के लिए, और ये यहाँ पे मैं उन्हें लगा दे रहा हूँ। इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसे रीलोड कर लेते हैं। रीलोड करने के बाद देखिए जैसे हम btn डिफॉल्ट यूज़ करेंगे तो वाइट दिखेगा, प्राइमरी में ब्लू, सक्सेस में ग्रीन, इन्फो में ब्लू, लाइट ब्लू, और वार्निंग में ऑरेंज, और डेंजर में रेड, और लिंक में कुछ भी नहीं दिखेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टाइलिंग होने के बाद हम अब इसको करेंगे, ये जो स्टाइलिंग है, ये जो सब बटन के क्लासेस हम किस किस पे लगा सकते हैं। तो हम इसे एंकर एलिमेंट पे लगा सकते हैं, बटन एलिमेंट पे लगा सकते हैं, और इनपुट एलिमेंट पे भी लगा सकते हैं। चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। समय बचाने के लिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे टाइप करके कर रखा है, मैं इसे अनकमेंट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे सेव कर लेते हैं और ये रीलोड कर लेते हैं। रीलोड करते ही देखिए यहाँ पे हमने एंकर एलिमेंट लिया है। एंकर एलिमेंट को हमने बटन का क्लास लगाया है, बटन को भी हमने बटन क्लास लगाया है, इनपुट एलिमेंट को लगाया है, और सबमिट बटन को भी लगाया है। ये देखिए इसका एक कोड, ये अपने हमने यहाँ पे एंकर एलिमेंट लिया है। यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में जो कोड देखा था n% <n> एंकर एलिमेंट का ए, n% <n> और n% <n> एंकर एलिमेंट क्लोज, n% <n> और ये हमारा कोड क्लोज। यहाँ पे हमने बटन यूज किया है, यहाँ पे इनपुट, और यहाँ पे इनपुट फॉर सबमिट बटन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम बटन की साइजेस के बारे में। तो हम बटन बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करके बटन की साइज कौन सी साइज ये ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लार्ज साइज का बटन यूज ले सकते हैं, मीडियम साइज का, स्मॉल साइज का, और एक्स्ट्रा स्मॉल का। चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। बहुत ही आसान है, आप आसानी से कर पाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में यहाँ नीचे लिख सकते हैं। ये अनकमेंट मैंने कर दिया है। ये रीलोड करता हूँ। रीलोड करके देखिए यहाँ पे लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, ये हमारा कोड। यहाँ पे हमने क्लास लिया है बटन, बटन बटन डेंजर कलर के लिए, बटन lg फॉर साइज के लिए, बटन md साइज के लिए, बटन डेंजर कलर के लिए, ये साइज के लिए, बटन एक्सेस साइज के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बटन साइज के बाद आता है बटन का स्टेटस। बटन के दो स्टेटस है, यहाँ पे एक्टिव और एक डिसेबल। तो चलिए कैसे इस्तेमाल करते हैं एक्टिव और डिसेबल को वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कोड टाइप करके रखा है, मैं उसे अनकमेंट करने जा रहा हूँ। देखिए हमने यहाँ पे बटन लिया है, उसको एक क्लास लगाया है बटन बटन प्राइमरी, और उसका स्टेटस डाला है एक्टिव। और यहाँ पे सेम हमने और एक बटन लिया है, उसको भी क्लास लगाया है बटन बटन प्राइमरी, और उसका स्टेटस दिया है डिसेबल। सेव करते हैं, रीलोड करते हैं। रीलोड करने के बाद देखिए जो एक्टिव बटन है बहुत एक्टिव दिख रहा है, और डिसेबल बटन पूरा ग्रे आउट हो चुका है, और उस पर जैसे हम माउस लेते हैं तो स्टॉप का सिंबल वहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम आगे देखेंगे ब्लॉक लेवल बटन। तो ब्लॉक लेवल बटन क्या होता है, ये जो हमारा
पेरेंट एलिमेंट रहता है उसकी जो विड्थ है, तो वो विड्थ अपने आप इस बटन को लगा लेता है। चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोड लिख के रखा है, इस कोड को मैं अनकमेंट करने जा रहा हूँ। इसे मैंने अनकमेंट करके सेव कर दिया है और ये यहाँ पे मैंने रीलोड कर दिया है। तो देखिए अभी ये जो ब्लॉक क्लास है, इस बटन को, इस बटन को, इस बटन को, इस बटन को, चारों को भी लग गया है। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक डिवीजन लिया है, क्लास लार्ज स्क्रीन के लिए 3, मतलब लार्ज स्क्रीन पे 4 इसमें बटेगा, ये 3 इसमें, मीडियम में, स्मॉल में 2 और एक्स्ट्रा स्मॉल में 1 हो जाएगा। इसके अंदर हमने एक डिवीजन लिया है न्यू नाम का। ये डिवीजन क्या कर रहा है, न्यू नाम का जो क्लास लिया है वो पैडिंग दे रहा है, 10 पिक्सल पैडिंग क्या रहता है, वो फुटर के नीचे की जो स्पेस रहता है दूसरे एलिमेंट के साथ वो वाला, ठीक है। सेम हमने 1 बटन, 2 बटन, 3 बटन, 4 बटन लिया है। तो जैसे देखिए अगर हम इसकी स्क्रीन की साइज छोटी करते हैं तो देखिए ये बटन उनके पेरेंट के क्लास के मुताबिक ढल रहे हैं। अभी स्मॉल में, एक्स्ट्रा स्मॉल में ये 4 हो गए, पर इनकी जो विड्थ है ये सेम है। इनकी जो विड्थ है हम कोई भी इसमें स्क्रीन में लेके जाए तो इनकी विड्थ जो सेम है। तो हमें करना क्या है कि जब हम इसे छोटा करेंगे, छोटी स्क्रीन पे देखेंगे, तो उस स्क्रीन के हिसाब से इनकी साइज भी बदलनी चाहिए, तब हम काम में लेते हैं ये क्लास हमारा बटन ब्लॉक। ये देखिए BTN BLOCK बटन ब्लॉक। अभी हम इसे यहाँ पे लगा देते हैं, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया ये बटन ब्लॉक, हर बटन पे हम लगा रहे हैं। इसे सेव कर लेते हैं, इसे रीलोड करेंगे। देखिए अभी इनकी साइज एज पर इनके पेरेंट के जो क्लास है इसके हिसाब से मुताबिक बढ़ गई है। अब इसे हम छोटा करते हैं, देखिए हमने एक्स्ट्रा स्मॉल किया तो देखिए कितना बड़ा हो गया है। अब इसकी साइज हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, देखिए। तो अभी आप समझ ही गए होंगे ये ब्लॉक का क्लास का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ब्लॉक लेवल बटन कैसे इस्तेमाल करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।